Limit 3, Limit 2, over. We will get the patrol, over. Walkie Talkies पे हर बार over बोलने की ज़रूरत क्या है? मोबाइल फोन्स की तरह continuous बात क्यों नहीं हो पाता? इस वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में। वॉकी टॉकीज रेडियो सिग्नल्स पे काम करता है। हाँ, वही अपने पुराने रेडियो वाले। जब वॉकी टॉकी का पुश टू टॉक बटन प्रेस होता है तो वॉकी टॉकी अपना खुद का रेडियो सिग्नल जनरेट करता है और इसकी ऑडियो डिवाइस एज ए माइक्रोफोन काम करने लगता है। दूसरा, जो भी वॉकी टॉकी इसी सेम फ्रिक्वेंसी पे ट्यूनिंग करता है तो वो इस आवाज़ को सुन पाता है। वहाँ उसका ऑडियो डिवाइस एज ए लाउड स्पीकर काम कर रहा होता है। जब रिटर्न कुछ बोलना होता है तो ये वाला वॉकी टॉकी अपना बटन प्रेस करता है, तब इसका ऑडियो डिवाइस एज ए माइक और पहले वाला का ऑडियो डिवाइस एज ए लाउड स्पीकर काम करने लगता है। अगर ऐसा हो कि दोनों ही बटन प्रेस करके बोलने लगे तो दोनों का ऑडियो सिस्टम एज ए माइक्रोफोन साउंड सेंड कर रहा होगा और किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। इसीलिए अपनी बात ख़त्म होने के बाद ओवर एंड आउट बोला जाता है, ताकि दूसरे वाले साइड को पता चले कि इसके बाद उसको बोलना है। डेफिनेटली ओवर एंड आउट की जगह आपकी जो मर्जी आप बोल सकते हैं। ये सिर्फ हेलो बोलने के जैसा कॉमन हो गया है। पर मोबाइल फोन्स डुअल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, सेंड और रिसीव करने के लिए सेपरेट फ्रीक्वेंसी। मतलब इन ए सिंपल वे, माइक्रोफोन और स्पीकर के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हम आराम से सेम टाइम पे बोलने के साथ साथ सुन भी पाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।